हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस एंड इन द क्लास ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी पी एस सी सेट यू सी सेट का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका सी सेट ट्वेंटी के अंदर पूछा गया था सी सेट ट्वेंटी के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड सिंप्लीफिकेशन आई मीन टू से सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर ओके सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड एग्जाम के अंदर आपके एट टू नाइन क्वेश्चन आ जाते हैं एट टू नाइन क्वेश्चन दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चन है ना तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो बिल्कुल इजी सा एक क्वेश्चन आया हुआ है अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर है तो आप कर लोगे तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है देर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई ठीक है ओके दिस इज देर आर टू कंटेनर एक्स एंड वाई एंड एक्स कंटेन यहां पे क्या कह रहे है एक्स कंटेन हंड्रेड एम एल ऑफ मिल्क दो कंटेनर है जिसके अंदर से जो एक्स है एक्स के अंदर कितना है मिल्क है ओके okay. यहां पे देखो दो कंटेनर हम ले लेते हैं दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड जो फर्स्ट है फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है दिस इज हंड्रेड एम एल मिल्क हंड्रेड एम एल क्या है उसके अंदर मिल्क है डन एंड वाई कंटेन्स हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर इसके अंदर क्या है हंड्रेड एम एल वाटर क्लियर आगे क्या कह रहा है ट्वेंटी एम एल ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू वाई 20 ml x से y में डाल दिया अगर इसके अंदर से 20 ml मैंने डाल दिया तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बच गया दिस इज 80 ml 80 ml क्या बच गया मिल्क और यहाँ पे क्या हो गया 100 तो वाटर था साथ में 20 ml मिल्क हो गया स्टेटमेंट क्लियर है अब देखो दूसरा क्या कहा है उसने उसके बाद आफ्टर मिक्सिंग वेल अब जो वाई था वाई को अच्छे से उसने मिक्स किया मिक्स करने के बाद में क्या कह रहे मिक्सिंग वाई इज ट्रांसफर्ड बैक टू एक्स इस y में से 20 ml इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया अब यहां पे पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है स्टार्टिंग में क्या था द मिल्क वाज प्योर द वाटर वॉज प्योर दोनों प्योर थे तो डायरेक्टली हमने कह दिया कि इतना वाटर आ गया बट आफ्टर मिक्सिंग इन ऑफ ऑफ वाटर वाटर दिस दिस इज नॉट प्योर मिक्सचर मिक्सचर हैज द मिल्क एंड इन सम प्रोपोर्शन है ना तो अब यहां पे थोड़ा सा आपका पॉइंट आ जाता है अब आगे देखो क्या है क्या है यहां पे इफ एम डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स क्या कह रहे हैं एम क्या कर रहे हैं हां जी मिल्क इन x एंड n डिनोट द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन y वाटर इन y क्लियर अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि बताओ दोनों के अंदर m और n की वैल्यूज के अंदर क्या इनक्वालिटी रहेगी दोनों इक्वल रहेंगे लेस देन रहेगा ग्रेटर देन रहेगा ओके okay? तो अब देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है कंटेनर के अंदर हंड्रेड वाटर एंड ट्वेंटी मिल्क ठीक है अब इसका मीनिंग क्या है कि ये किस रेशियो में है यहां रेशियो देखू तो मेरे पास में रेशियो क्या आ रहा है फाइव रेशियो वन कि अगर मैं इसके अंदर से बीस एम एल बीस एम एल इधर ट्रांसफर करूंगी तो मिल्क कितना जाएगा मिल्क कितना जाएगा और वाटर कितना जाएगा पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है तो अगर हम ट्वेंटी एम एल की बात करते हैं ठीक है, वाटर और मिल्क की रेशियो आपके पास फाइव रेशियो वन ठीक है तो वाटर कितना होगा आपके पास वाटर okay? so तो हो गया ये आपके पास दिस इज हंड्रेड बाई सी टू बाई दैट मीन सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन एम एल क्लियर सेम वे अगर हम बात करते हैं मिल्क की तो मिल्क कितना जाएगा वन बाई सिक्स इंटू ट्वेंटी दैट मींस टेन बाई थ्री दैट मीन्स थ्री पॉइंट अब उसने क्या कहा इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जब यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे कितना ट्रांसफर किया कितना ट्रांसफर किया हां जी अभी मैंने आपको बताया हां जी वाटर कितना ट्रांसफर होगा सिक्सटीन पॉइंट

16 .67 अब यहाँ पे देखते हैं वाटर कितना था हंड्रेड एम एल इसके अंदर से सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन तो एक्स में चला गया रिमेनिंग वाटर कितना है रिमेनिंग वाटर इसमें से माइनस कर दो आप जब आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग वाटर कितना आ गया दिस इज एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री इसी तरह से मिल्क मिल्क कितना आ गया इसमें से इसको माइनस करेंगे

हेयर वी कैन इजिली सेक्वल टू एम दोनों के दोनों क्या हैं बराबर सेम है। भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था वट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एक्स एंड क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन वाई अगेन दिस विल बी सेम क्लियर तो अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को सभी लाइक like और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में हाँ जी सभी शेयर करेंगे एंड uh, सभी ने क्या करना है यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन जैसे टाइप के जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है रीजन बिंग की सेवन टू एट क्वेश्चन आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर दिस टाइप वर्ड प्रॉब्लम ओके आप इसको अगर हम क्वांट के अंदर लें दिस इज कंसिडर अंडर सिंप्लीफिकेशन पार्ट इफ यू टेक इन रीजनिंग देन दिस इज अर्थमेटिक रीजनिंग पार्ट ओके okay, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हो अर्थमेटिक रीजनिंग से सिंप्लीफिकेशन से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्लियर हाँ जी वन मोर थिंग दसप्रेंड्स हु आर आर लुकिंग फॉर ए कंप्लीट कोर्स ऑफ सी सेट इन दैट केस अभी पीडिया की तरफ से आपको कंप्लीट सी सेट का कोर्स मिलता है और जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इफ यू थिंक कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है इन दैट केस यू शुड गो फॉर दिस कोर्स ओके सो टू डेज फ्री ट्रायल इज ऑल्सो अवेलेबल ज्वाइन द कोर्स थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थैंक यू